बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। तो प्यारे बच्चों, हम केमिस्ट्री कर रहे हैं और केमिस्ट्री को उर्दू में इल्मे कीमिया कहते हैं। आज हम केमिस्ट्री में केमिकल स्पीशीज़ करेंगे। स्पीशीज़ का मतलब होता है टाइप्स। तो सबसे पहली टाइप है आयन्स। आयन इज़ एन एटम आर ग्रुप ऑफ एटम्स दैट कैरीज अ पॉजिटिव और नेगेटिव इलेक्ट्रिक चार्ज ऑन इट। एक एटम या एटम का ग्रुप जो है उसको आयन कहते हैं, जिसके ऊपर मुस्बत या मनफी चार्ज हो। तो जो टाइप्स ऑफ आयन्स को दो में डिवाइड किया जा सकता है, केट आयन और ए नाइन। केट आयन जो होता है वो पॉजिटिवली चार्ज होता है, उसके मोर प्रोटॉन्स देन इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और ए नाइन नेगेटिवली चार्ज होता है और इसके इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होते हैं। सो केट आयन बनता है लॉस ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन लूज करने से। थिंक पॉजिटिव, बी पॉजिटिव। हमें भी चाहिए कि हम मुस्बत सोच रखें, लेकिन मुस्बत सोच तभी रखी जा सकती है जब आप अल्लाह से कनेक्टेड हों। अल्लाह से कनेक्शन का बेहतरीन ज़रिया अल्लाह की किताब है। अगर आप नेकी अल्लाह के लिए करें, सब्र अल्लाह के लिए करें, दरगुजर अल्लाह के लिए करें, तो आप पॉजिटिव रह सकते हैं। तो उसके लिए कुरान मजीद को तर्जमे से पढ़ना शुरू करें। आपको उर्दू आती है, कुरान मजीद सबसे दुनिया की आसान तरीन किताब है। फॉर्मेशन ऑफ अ पॉजिटिव आयन, जैसे हाइड्रोजन आयन एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो वो पॉजिटिव आयन बन जाता है। इसी तरह सोडियम जो है एटम, वो एक इलेक्ट्रॉन लूज करके सोडियम केट आयन बन जाता है, और फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम आयन में वो दो इलेक्ट्रॉन लूज करता है। अब ए नाइन कैसे करते हैं? अ गेन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज, इलेक्ट्रॉन हासिल करने से ए नाइन बनता है। जैसे क्लोरीन एटम एक इलेक्ट्रॉन गेन करके क्लोराइड आयन बन जाता है, और ऑक्सीजन का एक एटम दो इलेक्ट्रॉन गेन करने से ए नाइन बन जाता है। अब हम देखते हैं कि एक एटम और एक आयन में क्या डिफरेंस है। तो एटम जो होता है, इट इज़ द स्मॉलेस्ट एंड एन इंडिविजिबल यूनिट ऑफ द मैटर। और जो आयन है, एन एटम और मॉलिक्यूल दैट हैज़ अ नेट इलेक्ट्रिकल चार्ज, यानी इसके ऊपर इलेक्ट्रिकल चार्ज होता है आयन के ऊपर। एटम कैन आर कैन नाट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, और आयन इट कैन नाट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। यानी एटम तो इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट कर सकता है, लेकिन आयन इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट नहीं कर सकता। एटम कैन टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन, और जो आयन है इट इज़ सराउंडेड बाय अपोजिटली चार्ज्ड आयन, एक लैटिस की शक्ल में, एक जाली की शक्ल में ये बनते हैं। एटम इज़ ऑलवेज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, लेकिन जो आयन होता है उसके ऊपर नेट चार्ज होता है, आइदर इट इज़ पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव को केट आयन कहते हैं और नेगेटिव को ए नाइन। अब हम अगली एक स्पीशीज़ देखते हैं, मॉलिक्यूलर आयन्स। व्हेन अ मॉलिक्यूल लूजेस और गेन्स एन इलेक्ट्रॉन, इट फॉर्म्स अ मॉलिक्यूलर आयन। जब एक मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन हासिल करता है या लूज करता है, तो वो मॉलिक्यूलर आयन बनाता है। दे कैन बी केटोनिक मॉलिक्यूलर आयन्स और ए नाइनिक मॉलिक्यूलर आयन्स। केटोनिक मॉलिक्यूलर आयन्स आर मोर अबंडेंट देन ए नाइनिक मॉलिक्यूलर आयन्स। मुस्बत मॉलिक्यूलर आयन या केटोनिक मॉलिक्यूलर आयन्स ज़्यादा कसरत से पाए जाते हैं बनिस्बत मनफी मॉलिक्यूलर आयन्स के। अ मॉलिक्यूल इज़ टू और मोर एटम्स जॉइंट टाइटली टुगेदर। एक मॉलिक्यूल जो है वो एक या दो एटम्स के बहुत कोवलेंट बॉन्डिंग से आपस में बनता है। इट इज़ द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट और कंपाउंड विच कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली एंड शोज ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ दैट कंपाउंड। मॉलिक्यूल जो होता है उसमें कंपाउंड या एलिमेंट की तमाम खूसियात होती हैं। तो मॉलिक्यूल जो है वो एक छोटा ज़र्रा है जो एक एलिमेंट की खूसियात को ज़ाहिर करता है, और आयन जो है वो इलेक्ट्रॉन लूज और गेन करने से बनता है। मॉलिक्यूल ऑलवेज न्यूट्रल, मॉलिक्यूलर आयन हैज़ चार्ज। मॉलिक्यूल इज़ फॉर्म्ड बाय द कम्बिनेशन ऑफ एटम्स, और आयन जो है आयोनाइजेशन ऑफ मॉलिक्यूल से बनता है। मॉलिक्यूल इज़ अ स्टेबल यूनिट, और मॉलिक्यूलर आयन इज़ अ रिएक्टिव स्पीशी। अब हम देखते हैं कि व्हाट आर फ्री रेडिकल्स।
free radicals जो होते हैं, they are atoms or group of atoms possessing odd number unpaired electrons. Free radicals जो हैं वो atom या atom का एक group होते हैं जिनके पास odd अकेला इलेक्ट्रॉन होता है या जिसका कोई जोड़ा नहीं होता, अनपेयर्ड, यानी वो वैसे इलेक्ट्रॉन्स पेयर में स्टेबल होते हैं तो वो अनपेयर्ड होता है. इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय पुटिंग अ डॉट ओवर द सिंबल ऑफ एन एलिमेंट. एक डॉट लिख के सिंबल के ऊपर इसे रिप्रेजेंट करते हैं. रेडिकल्स कैसे बनते हैं? होमोलिटिक फ्यूजन, बराबर हिस्सों में जब कोई कोवलेंट बॉन्ड ब्रेक होता है तो उसके नतीजे में रेडिकल्स बनते हैं. जैसे तो आयंस जो हैं वो नेगेटिवली और पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, लेकिन जो फ्री रेडिकल्स हैं उनके एक ऑड इलेक्ट्रॉन या अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है उनके आउटर शेल में. ये डिफरेंस है. आयंस जो हैं दे एग्जिस्ट इन सॉल्यूशन आर इन क्रिस्टल लैटिस. वो एक जालीदार बनाते हैं या सॉल्यूशन में एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन फ्री रेडिकल कैन एग्जिस्ट इन सॉल्यूशन एज वेल एज इन एयर. एयर में भी पाए जाते हैं और इनके दे आर फॉर्म फ्रॉम द प्रेजेंस ऑफ लाइट. लेकिन आयंस की फॉर्मेशन लाइट का कोई असर नहीं होता आयन की फॉर्मेशन में. प्यारे बच्चों, उम्मीद है आपको लेसन पसंद आया होगा, समझ भी आई होगी. इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक और शेयर करें.